मध्य प्रदेश के सीधे की तरह राजस्थान के जयपुर से भी पेशाब कांड की घटना सामने आई है। एक दलित का आरोप है कि उसे अगवा करके पीटा गया, उस पर पेशाब की गई, जूते चटवाए गए। आरोप किसी और नहीं बल्कि राज्य के सत्तासीन कांग्रेस सरकार के विधायक और डिप्टी एसपी के ऊपर लगाए गए हैं। मामले के तूल पकड़ते हुए विधायक और डिप्टी एसपी समेत चार लोगों के खिलाफ धारा 190, 363, 143, 448, 323, 342, 506, 509 आईपीसी एवं धारा 3(1)(RS)(3)(2)(BA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला राजस्थान के जम्वा रामगढ़ इलाके का बताया जा रहा है, जहां 51 वर्षीय एक दलित ने कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा पर जूते चटवाने और डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज पर उसके ऊपर पेशाब करने का आरोप लगाया है। दलित का यह भी कहना है कि उसका अपहरण कर उसे पीटा गया है। राजस्थान के जम्वा रामगढ़ इलाके में रहने वाला 51 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि गांव टोडा लड़ी आंधी में वह जमीन की सार संभाल करता है। 30 जून दोपहर करीब 1 बजे वह पत्नी और साथी के साथ खेत पर काम कर रहा था। अचानक पुलिस वाले आए और जबरदस्ती गाड़ी में पटक कर किडनैप कर एमएलए गोपाल मीणा के घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे में आए पुलिस कर्मियों ने उसे नीचे पटक दिया और गालियां देते हुए मारपीट की। छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने पर डिप्टी शिव कुमार भरद्वाज ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। कहा, जम्वा रामगढ़ के राजा गोपाल मीणा को बिना नजराना दिए टोडा लड़ी में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेत में आने की। भरद्वाज ने मारपीट कर उसे धमकाया कि एमएलए की अवहेलना करने का परिणाम तूने देख लिया है, उसे फिर हाल में ले गए। पीड़ित के मुताबिक कुछ दिनों के बाद जब वह थाने में मामला दर्ज करवाने पहुंचा तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने एसपी ग्रामीण और डीजीपी तक से गुहार लगाई, मगर मामला दर्ज नहीं हुआ। परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के माध्यम से 27 जुलाई को पूरे मामले की एफआईआर जम्वा रामगढ़ थाने में दर्ज करवाई गई। विधायक गोपाल मीणा ने कहा, मामला पूर्व डीजी नवदीप सिंह और उनकी पत्नी परम नवदीप की जमीन से जुड़ा है। ये लोग मुझ पर दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा दिलवाना चाहते थे। मैं पीड़ित को नहीं जानता, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। विधायक पर आरोप होने के चलते मामले की जांच सीबीआई सीआईडी भी कर रही है। जो आज मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मुझे पता लगा है कि परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों ने अपने नौकर से ले जाके जो एक फर्जी केस करवाया है, ये खुद घुमा के आए हैं। इनकी जमीन है, 8 करोड़ की जमीन ली है और उस जमीन पे लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए ये वहाँ पे टोडालडी गांव में गए और टोडालडी गांव में जाके 50-60 गुंडे ले जाके उन पे मारपीट करने की कोशिश की और वहाँ धमकाया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँच के और इनके ऊपर एसकेएससी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मैम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आ जाइए। ये आए हैं, इसका नौकर साथ आया है, पर 10-20 आदमी मेरे पास यहाँ पे आए हैं और बाद में मैंने डिप्टी को मेरे को कहा कि साहब डिप्टी साहब हमारी सुनी नहीं। मैंने डिप्टी साहब को बुलाया, डिप्टी साहब आए और डिप्टी साहब ने इनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, जो भी जांच होगी होगा। इन्होंने हमारे ऊपर दबाव दिया कि इसमें एफआईआर लगाओ, अन्यथा हम आपके खिलाफ एआईसीसी जाएंगे, आपका टिकट कटाएंगे। बहुत सारी अनगल बातें की हमारे को, इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन जो राजू नाइक नाम का लड़का है वो इसका नौकर है, उसके नाम से एफआईआर दर्ज करवाई है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जो कृतज्ञ किया है और झूठा केस एमएलए के ऊपर और डिप्टी के ऊपर लगाने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि इससे बुरी घटना और बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूँगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये लोग जो मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की है और जिस प्रकार से मेरी कोई इनसे और इनके द्वारा कोई छवि में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है। एमएलए के घर सब लोग आते हैं, मैं वहाँ बुला के किसी का अपमान करना ये मेरे स्वभाव में भी